अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 का एक महीने में हम कितनी बार यूज कर सकते हैं या साल भर में हम कितनी बार इसको ले सकते हैं, अनमेरिड महिलाएं इस दवा का यूज कर सकती हैं या नहीं कर सकती, सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं या सीखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें जिससे आपको अनवांटेड 72 की जो मेडिसिन है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनवांटेड जो 72 है इसके अंदर क्या मौजूद होता है। अनवांटेड 72 की जो मेडिसिन है उसके अंदर लिवोनोरगेस्ट्रोल इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि एक हार्मोन है। ये एक हार्मोनल पिल है। इस मेडिसिन को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम से जानते हैं। और अगर आपके पुरुष पार्टनर के साथ में असुरक्षित सेक्सुअल इंटरक्रॉस हुआ है तब आप इस मेडिसिन का यूज कर सकती हैं। अगर असुरक्षित सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके बन गए हैं या फिजिकल रिलेशनशिप आपके बने हैं तब आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो यूज है वो आपको 72 आवर्स के अंदर ही करना होता है। अगर शुरुआत के 12 घंटे में कर लेते हैं तो इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है, लेकिन आप इसको 3 दिन के अंदर अंदर यूज भी कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है वो अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरक्रॉस के 3 दिन के अंदर अंदर लेने होती है। सेक्सुअल इंटरक्रॉस हुए अगर आपके 12 घंटे हुए हैं तो आप इसको टेबलेट का यूज करते हैं तो इसके अंदर बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जो लिवोनोरगेस्ट्रोल होता है वो 1.5 मिलीग्राम इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि एक हार्मोन है। ये जो मेडिसिन है वो महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोकने के अंदर काम में ली जाती है और ये महिलाओं की ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन को ये रोक देती है। ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और आपको प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पाती, इसलिए इस मेडिसिन का यूज है वो प्रेगनेंसी रोकने में किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद में आपको पीरियड कितने दिन के बाद में आएंगे। नॉर्मल पीरियड जो आपके आते हैं उससे आपको पीरियड्स 5 दिन बाद में आ सकते हैं या फिर 5 से 7 दिन पहले भी आपको पीरियड आ सकते हैं। आपको जब भी पीरियड आएंगे तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या पेनफुल ब्लीडिंग आपको हो सकती है। अगर आप इस मेडिसिन का यूज फिजिकल रिलेशनशिप से पहले कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप जब भी इस मेडिसिन का यूज करें तो इंटरक्रॉस के या फिजिकल रिलेशनशिप के बाद में ही करें। उससे पहले करने से इस दवा का कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपको प्रेगनेंसी होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए इस मेडिसिन का जो यूज है वो आपको सेक्सुअल इंटरक्रॉस के बाद में ही करना चाहिए। अगर आप अनवांटेड 72 मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपके सर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोक्जिया वॉमिटिंग हो सकती है। और हाँ, अगर इस मेडिसिन का आप यूज कर रहे हैं और आपको मेडिसिन का यूज करने के 1 से 2 घंटे के बाद में अगर आपको वॉमिटिंग आ जाती है तो आपको इस मेडिसिन को रिपीट करना है, दोबारा से एक टेबलेट लेनी है। अब जान लेते हैं वीडियो में आगे कि ये जो मेडिसिन है वो अनमेरिड महिलाएं ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। ये जो मेडिसिन है वो अनमेरिड महिलाएं ले सकती हैं। जिन महिलाओं की उम्र 15 से 18 साल से ज़्यादा है वो महिलाएं इस मेडिसिन का यूज कर सकती हैं। ये जो मेडिसिन है वो आपको 1 महीने में 1 नहीं लेनी होती। 1 महीने के अंदर अगर बार बार इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप इस मेडिसिन का यूज है वो आप 6 महीने में 1 बार ही कर सकते हैं या साल में आप इस मेडिसिन का 2 बार यूज कर सकते हैं। बार बार इस मेडिसिन का यूज करने से आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप ना भूलें, जिससे यह अन्य किसी महिला के भी काम आ सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।